नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं सूर्यकांत देसाई और आप देख रहे हैं क्लॉक टेक YouTube चैनल। सॉरी गाइज, बहुत दिनों तक हमने कोई भी वीडियो वगैरह अपलोड नहीं की है इस चैनल पे, लेकिन आज से मैं कोशिश करूँगा कि आपको रेगुलर वीडियोस में अपलोड करूँ। तो गाइज, इस वीडियो के अंदर हम एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और वो है क्रिप्टो करेंसी के बारे में। अगर आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो लेकिन आपको पता नहीं कि कौन सा प्लेटफॉर्म जो है वो बेस्ट रहेगा क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्ट करने के लिए, तो गाइज मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप कोई भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर कुछ डाउट्स है और कुछ प्रिंसिपल्स है, वो क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम जो डाउट्स है वो क्लियर नहीं करेंगे तो आगे हमें वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ओके, तो गाइज आपको एक अच्छा एप्लीकेशन जो मैं आपको वीडियो के एंड में ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे जो फैक्टर्स है वो मैटर करते हैं अगर आप अच्छा सा एक एप्लीकेशन यूज़ करते हो तो। लेकिन उससे पहले जो आपके मेन डाउट है, मतलब बहुत सारे यूज़र्स के माइंड के अंदर होता ही है, आपके माइंड के अंदर भी होगा, वो डाउट्स मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि अगर आपके पास 10,000 रुपीज़ है और आप किसी भी एप्लीकेशन को यूज़ करके इन्वेस्ट करना चाहते हो, लेकिन जो डाउट होता ये है कि अगर आपने इन्वेस्ट किया किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू और रातों रात एप्लीकेशन गायब हो जाता है या हैक हो जाता है, बैन हो जाता है, तो किसी भी कारण की वजह से, तो आपके जो पैसे आपको रिटर्न मिल जाते हैं या नहीं, ये जो डाउट है वो बहुत सारे माइंड के अंदर होता है, मतलब यूज़र्स के माइंड के अंदर होता है, वो मैं आपको आज क्लियर करूँगा। तो गाइज यहाँ पर दो चीज़ आपको समझनी होगी, जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं यहाँ पर दो टाइप के इन्वेस्टर होते हैं, लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में। अगर आप शॉर्ट टर्म तक इन्वेस्ट करना चाहते हो, मतलब एक साल के नीचे, मतलब आपने आज खरीदा क्रिप्टो करेंसी और 6 महीने बाद आपने बेचा, तो इस तरीके से शॉर्ट टर्म में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप एक्सचेंज एप्लीकेशन पर रख सकते हो, मैं आपको एक्सचेंज एप्लीकेशन बताऊंगा। गाइज अगर आप लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करना चाहते हो, मतलब आज आपने इन्वेस्ट किया और आप चाहते हो कि उसे 5 साल बाद या 10 साल बाद उसे हम निकालना चाहते हैं, तो आपको हार्डवेयर वॉलेट के अंदर ही यूज़ करना है। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देके भी समझाता हूँ। जैसे कि हम मूवीज़ या म्यूज़िक वगैरह पेन ड्राइव के अंदर सेव करके रखते हैं, बाद में वो इंटरनेट पे जो म्यूज़िक और मूवी डिलीट भी हो जाता है किसी भी कारण की वजह से, इंटरनेट पे आपको कहीं पर भी नहीं मिलता है, लेकिन जैसे आप जो पेन ड्राइव है वो पीसी के अंदर इंसर्ट करके देखोगे तो आपको म्यूज़िक और मूवी देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपने पेन ड्राइव के अंदर हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर करके रखा है। सेम टू सेम क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट काम करता है। मतलब आपको लॉन्ग टर्म तक रखना चाहते हो, एक्सचेंज पे आप नहीं रख सकते हो, क्योंकि 5-5 साल 10-10 साल तक आप नहीं रख सकते हो, क्योंकि जो एक्सचेंज एप्लीकेशन है वो आपको पता नहीं रहता कि कब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए उस एप्लीकेशन के अंदर, तो आप हार्डवेयर वॉलेट के अंदर रखोगे तो आपको सेफ रहेगा। तो सबसे सिक्योर जो हार्डवेयर वॉलेट माना जाता है वो लेजर नैनो एस और लेजर नैनो एक्स। तो हार्डवेयर वॉलेट की जो प्राइस है वो 5,000 और 10,000 रुपीज़ है, लेकिन ये जो हार्डवेयर वॉलेट आपको तभी यूज़ करना है जब आपके पास अमाउंट भी ज़्यादा हो इन्वेस्ट करने के लिए और उसके साथ साथ आप लॉन्ग टर्म तक रखना चाहते हो, तभी आपको जो हार्डवेयर वॉलेट जो है वो आपको यूज़ करना है। अदरवाइज आप शॉर्ट टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप एक्सचेंज एप्लीकेशन पर रख सकते हो। ओके, और नेक्स्ट जो सेकेंड वन डाउट होता है हर एक यूज़र्स के माइंड के अंदर, कि अगर आप बिटकॉइन का प्राइस आप अभी देखोगे तो 25 लाख रुपीज़ है, लेकिन कुछ यूज़र्स ऐसे सोचते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस अभी 25 लाख रुपीज़ है तो हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है इसे खरीदने के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, किसी भी एप्लीकेशन के अंदर आप मिनिमम 100 रुपीज़ से कोई भी क्रिप्टो करेंसी को खरीद सकते हो, लेकिन आपको उस करेंसी का पार्ट मिल जाता है। अगर आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी का प्राइस 1 रुपीज़ होगा तो आप 100 रुपीज़ के क्रिप्टो करेंसी खरीदोगे तो आपको 100 कॉइन्स मिल जाए। मतलब किस क्रिप्टो करेंसी का जो प्राइस है या वैल्यू है ज़्यादा है तो आपको पार्ट में मिल जाएगा, और कम है तो आपको कॉइन्स या क्रिप्टो करेंसी टोकन में मिल जाएगा। ओके, तो ये जो डाउट्स है वो बेसिकली हर एक क्रिप्टो करेंसी के जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं बिगनर्स है उनके माइंड के अंदर होता है। और भी बहुत सारे जो फंडामेंटल्स है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा, अगर इस वीडियो के अंदर अच्छा खासा एंगेजमेंट आता है तो। तो अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको सबसे बेस्ट जो प्लेटफॉर्म है वो कौन सा है। तो उस प्लेटफॉर्म का नाम है WazirX एप्लीकेशन। जी हाँ गाइस, मैंने खुद अलग अलग एप्लीकेशन को यूज़ करने के बाद मुझे अच्छा सा जो प्लेटफॉर्म है वो मिल चुका है, और मैंने भी इस एप्लीकेशन के थ्रू ही जो इन्वेस्ट किया है क्रिप्टो करेंसी के अंदर। गाइज आपको एक कोई भी एप्लीकेशन सेलेक्ट करने से पहले बहुत सारे जो फैक्टर्स देखने के बाद ही एक अच्छा एप्लीकेशन आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये जो मैं आपको एप्लीकेशन बता रहा हूँ ये एप्लीकेशन सबसे सिक्योर और सेफ है। सेकेंड वन, ये जो एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारी यूजर्स इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी के अंदर इस एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं। थर्ड वन पॉइंट जो देखना पड़ता है कि अलग अलग क्रिप्टो करेंसी जो न्यू क्रिप्टो करेंसीज है वो लिस्ट होते हैं इस एप्लीकेशन के अंदर, क्योंकि आप जल्दी क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हो और बाद में उसकी प्राइस बढ़ने के बाद बेच सकते हो। फोर्थ वन,
चार्जेस भी, हिडन चार्जेस वगैरह बहुत सारे एप्लीकेशन लेती है, तो कंपेयर करें तो वजीरे का एप्लीकेशन आपको बहुत कम लेता है चार्जेस। ओके, और फिफ्थ वन इजी टू यूज एंड सिंपल एप्लीकेशन है। आपको स्टार्टिंग में कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन अगर आप एक बार यूज करके देखोगे तो आपको जो सारे फीचर्स है वो आसानी से समझ में आ जाएंगे। ओके, तो ओरिजिनल जो वजीरेक्स एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहीं से डाउनलोड करें, KYC वेरीफाइड करके इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। मिनिमम डिपॉजिट 1000 रुपीज़ है और विड्रॉल भी मिनिमम 1000 रुपीज़ के साथ आप स्टार्ट कर सकते हो। ओके, और ये सबसे सिक्योर माना जाता है। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने एप्लीकेशन रिकमेंड किया है। तो अब हम मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉप के साथ, जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्माइलिंग गाइस एंड सूर्यकांत देसाई।